أحسن منك لم تر عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرءا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलकुरबतु इला रब्बिल आलमीन हदीस नंबर नबे जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े क़ियामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूँगा यानी हाथ मिलाऊँगा सुभान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबीही व बारक व सल्लम मदीना चैनल के नाज़रीन की नाते लिए फिर हाज़री है आपको खुश आमदीद कहा जाता है आज हम इन श्लाजल है सईदना मालिक बिन आफ रदी अल्लाह तहबी रसूल की ना सुनेंगे नातें सुना सुनना सुनाना साहबा की सुन्नत और इस सिलसिले में हम किसी साहबी रदी अल्लाह तैन हो के नातिया अशार सुनते हैं और उसके जिम्मन में और मदनी फूल भी अलहमदिल्ला चुनते हैं सुनते हैं आपका नाम मुबारक हैदरत मालिक बिन आफ बिन सात नसरी रदी अल्लाह तनीत है अबू अली अल्लाह की शान देखिए गजवा हुनैन में आप लश्कर कुफार के सरदार थे जंग के बाद जूक दर जूक लोग दामन इस्लाम में दाखिल हुए तो हैदरत मालिक बिन आऊफ रदी अल्लाह तयफ चले गए जब हवाजन कबीले का वफद मेरे अक सलाम की मुलाकात के शरफ़ से मुशर्रफ हुआ तो प्यारे अक सलाम ने हवाजन के वफद से दरियाफ्त फरमाया मालिक बिन ऑफ कहाँ है कहा वो फकीफ के साथ ताइफ में फरमाया तुम लोग मालिक बिन ऑफ को ख़बर कर दो अगर वो मुसलमान होकर मेरे पास आ जाए तो मैं उसका सारा माल उसको वापस लौटा दूंगा इसके साथ एक सौ और भी अता करूंगा। मालिक बिन औफ को खबर हुई तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुसलमान होकर हाजिर हो गए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनकी कौम हवाजन और कबाइल समाला और सलामा और फहम पर सरदार मुकरर फरमा दिया और मेरे आका अलैहि वसल्लम ने सब वादा एक सौ ऊंट भी इन्हें इनायत फरमाए हजरत सैना मालिक अल्लाह सईना प्यारे अकाली सलातम के इस खुल के अजीम को देखा तो बहुत मुतासर हुए और आपकी शान में कसीदा पड़ा और मेरे अकाली सलातम ने खुश होकर इन्हें लिबास अता फरमाया जो कसीदा आपने लिखा

सल्लल्लाहु वसल्लम की मिसल ना देखा न सुना सुरहान अल्लाह मजीद क्या अर्ज किया औा लिल जजीली इज तुदी व मता तश युबरु का अम्मा फी ग जो सबसे ज्यादा वादे को पूरा करने वाले हैं सबसे ज्यादा माल अता फरमाने वाले हैं और जब तुम चाहो इनसे पूछ लो वो कल आइंदा की खबर यानी गैबी खबर को भी तुम्हें बता देंगे नबविया इबनी हम में ये अशार हजरत मालिक बिन औदी तिखे क्या अर्ज कर रहे हैं कि आप जैसा मैंने ना देखा ना सुना यही कुछ मौला अली मुश्किल पिशा करमल्ला तजहा क़रीम कह रहे हैं तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर तीन हजार पाँच सौ सत्तर हजूर अलैहि वसल्लम की मिफिल ना तो आपसे पहले देखा ना आपके बाद यही हज़रत हसान बिन साबित रदी अल्लाह तुर्ज़ कर रहे हैं या रसूल अल्लाह वह अहसन मिन कलम तर अजमलू मिन कलम ताली दिन खुलता का कद खुलता कमा तशाऊ आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने हरगिज हरगिज नहीं देखा आप जैसा जमीलो खोबरू किसी औरत ने जना ही नहीं आप तो हर ऐप से पाक पैदा किए गए गोया कि आप ऐसे पैदा किए गए जैसा आप खुद चाहते हैं जबरील अमी सलाम भी यही अकीदा रखते हैं जी हाँ सुनिए अलफतुल कबीर हदीस नंबर आठ हज़ार तीन सौ सतासी एक मरतबा हबीब किबरियाल वसम ने इर्शाद फरमाया कौल अली जबरीलु जबरील ने मुझसे कहा कल्ल तो मशादारहा मैंने जमीन के मशारी को मग़ारब अच्छी तरह देखे फलम अलैहि वसल्लम मैंने अलैहि वसल्लम से अफजल कोई नहीं पाया व कल्लभ तुम अशारी कल अर्दी व महरिबाहा मैंने जमीन के मशारी को मगारिब अच्छी तरह देखे बस मैंने बनी हाशिम से अफजल कबीला कोई नहीं पाया यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले सभी मैंने चांद डाले तेरे पाए न पाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे यक ने यक ने बनाया किसी आशिक रसूल ने कहा अरे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा बंदे, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे आका ना आका मिलेगा तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानी तो बड़ी तो तारी चीज है साया ना मिलेगा हजरत सईना मालिक बिन अर्ज कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा वादे को पूरा करने वाले मेरे अकाल सलाम वादे पूरे करने वाले हैं और याद रखिए के तफसीर तबरी में है कि कोई भी नबी वादा करके उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता और मुफ्ती अहमद यारखान नईमी मर आज सफ़ा चार सौ इक्यानवे पर लिखते हैं सच और वादा पूरा करना तमाम नबियों की सुन्नत है सच्ची बात सिखाते ये हैं सीधी राह चलाते ये मेरा कलिस सला सलाम वादे पूरा करते हैं देखिए हज़रत मालिक बिन बिनआफ़ रदी अल्लाह से वादा किया इनके बारे में कि ये आएंगे तो कुल माल वापस किया जाएगा और एक सौ ऊंट भी दिए जाएंगे तो मेरे अकलतम ने वादा पूरा किया और याद रखें यहाँ मैं मदनी फूल भी पेश करूँगा सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर तैंतीस मेरे अकलाम फ़रमाते हैं मुनाफिक की तीन निशानियाँ जब बात करें झूठ कहें जब वायदा करें खिलाफ़ करे जब इसके पास अमानत रखी जाए ख़ानत करे तो वादा खिलाफ़ी करना ये अच्छी बात नहीं है और झूठा वादा करना याद रखिए हराम है फतवा रज़ाविया शरीफ जिल पच्चीस सफा उनहत्तर पर है वादा झूठा करना हराम है वादा खिलाफी किसे कहते हैं मेरा अकाली सला तो सलाम नेर्शाद फरमाया वादा खिलाफी ये नहीं कि आदमी वादा करे और उसकी नीयत उसे पूरा करने की भी हो बल्कि वादा खिलाफी ये है आदमी वादा करे और उसकी नीयत उसे पूरा करने की ना हो गीबत की तबाहकारियाँ जो किताबें इसमें तफसीली तौर पर वादे की तारीफ और वादा खिलाफ़ी किसी कहते हैं उसके मताले से आप पर आश्कार हो जाएगा और मेरे अकाल सलात असलम की सखावत का भी बयान किया कि ये बहुत ज़्यादा माल खर्च करने वाले हैं और बुखारी शरीफ में है

तेरा ते नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वेरा मेरा खाली सलाह तो सलाम की एक सिफत हैजरत मालिक बिन औफ रदी अल्लाह यह भी बयान की कि मेरे आका अली सलातो सलाम कल की आइंदा की खबरें देते हैं और यह अकीदा कुरान के मुताबिक है जी हां सुनिए इरशाद होता है तर्जुमाई कंजुल और अल्लाह की शान ये नहीं ए आम लोगो तुम्हें गैब का इलम दे दे हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ो तकवीर के आयत नंबर डबल बारह में इशाद होता है वा और ये नबी गैब बताने में बकील नहीं आपके पास इलम गैब आता है तो तुम पर इसमें बुख़ल नहीं फरमाते बल्कि तुमको बताते हैं ये तफसर खाजिन में इस आयत के तहत लिखा है और आला हजरत ने फतावर रजिया में लिखा नबी के लिए एक सिफत होती है जिससे वो आइंदा गैब की बातें जान लेते हैं मालिक बिन आफ रदी अल्लाह का एक और कलाम जो कि दलाअल नबूबा में है वो सुनिए लिखते हैं वो इजल कतिबत अनया बहा

यानी मेरे आकाश वसल्लम ऐसे लगते हैं जैसे शेर अपने बच्चों के दरमियान घात लगाए हुए बैठा हो मेरे अकाली सलातम की शुजात की तरफ बहादुरी की तरफ इशारा है दुश्मन का हुजूम होता मेरे अकाली सलातम की साबित कदमी कायम रहती तीरों की बारिश में नंगी तलवारों के झुरमट में हर किस्म के खतरा से बेनियाज होकर मेरे अकाली सला तो सलाम साबित कदमी का मुजाहरा फरमाते अल्लाह अकबर हजरत इब्रमरुमा फरमाते हैं मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ना कोई शुजा यानी बहादुर देखा है ना सखी देखा है ना जल्द राज़ी होने वाला देखा ना किसी को किसी सिफत में भी हुजूर अली सलातो सलाम से बरतर नहीं देखा मौला अली मुश्किल कुशाक्रमल्ला तजहा करकरीम जो कि खुद बहुत बड़े बहादुर हैं आप क्या फरमाते हैं फरमाते हैं जब जंग शिद्दत इख्तियार कर लेती फर्ते गजब से आंखें सुर्ख हो जाती तो हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु वसल्लम के दामन में आकर पना लेते हजूर वसल्लम सबसे ज्यादा दुश्मन के करीब होते मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर में देखा कि हजूर सल्लाम दुश्मन के सामने चट्टान बने खड़े हैं और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में पना लिए हुए हैं उस रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत बेमिसाल थी हम उसको शुजा कहा करते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ करता नबी वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा हसीन सखी और बहादुर थे क्या शान हमारे अकारी सलात वाम की सुलहान सईद आला हजरत लिखते हैं टूट जाएंगे गुनागारों के, के दो बन श्री को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की आका की आमद मरहबा दिल भर की आमद मरहबा सोहने की आमद मरहबा अच्छे की आमद मरहबा शुजा की आमद मरहबा या मुस्तफा मरहबाया مصطفى وأحسن منك لم تر عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرءا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء